हाँ बेटा, हाँ हाँ हाय फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ आप सब सिम्बा के लिए काफी परेशान हो, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँ कि सिम्बू कल से कितना परेशान है। मैं भी बहुत परेशान हूँ। इसको पूरी रात इसके साथ जागने के बाद अब जाके मैंने स्नान किया है और पहली चाय पी पा रही हूँ। गाइज, मैंने तो सोचा था कि आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड बनाऊंगी सिम्बा के लिए। DIY टॉयज मैंने सारा सामान जो है वो इकट्ठा करके रखा हुआ था, बट यू नो कल रात से ही सिम्बू की तबीयत इतनी खराब हो गई, ऑल बिकॉज ऑफ दिस ब्लडी थिंग। मैंने इसे बिना सोचे समझे, ये इतना बड़ा ट्रीट लगा मुझे कि इसको पसंद आएगा, और मैंने इसको खिला दिया। एंड इस ट्रीट ने जो बेचारे सिम्बा का हाल किया है, कल रात को अराउंड 10:30 11:15 को इसको लूज मोशन होने स्टार्ट हो गए। मुझे उतना ज्यादा कुछ लगा नहीं कि ठीक है चलो एक बार लूज मोशन हुआ, एंड देन पूरी रात भर इसको लूज मोशंस रहे, इसको उल्टियां आई, एंड ही वाज इन सो मच पेन। एक टाइम पे तो इसको ऑलमोस्ट ब्लड आना शुरू हो गया था लूज मोशन के टाइम पे। मैं इतना डर गई थी, आई स्वेयर उस टाइम पे सुबह के ऑलमोस्ट 5:30-6 बजने आए थे, आई लिटरली फ्रीक्ड आउट। और आज संडे भी है तो और प्रॉब्लम हो गई। फिर हमारे जो डॉक्टर ने, जो मैंने उनको मैसेज किया, तो उन्होंने बोला मेरा क्लिनिक जुहू वाला नहीं खुला है, आपको इसे बोरीवली में एक हॉस्पिटल है, बोरीवली मेरे घर से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स दूर है, तो उन्होंने बोला वहाँ लेके जाना पड़ेगा। एंड देन ऑब्वियसली सिम्बा की हालत बहुत खराब थी, इसको इतने लूज मोशन थे, आई कांट टेल यू मैं इसको बेचारे को कैसे लेके गई हूँ इतना दूर। वहां जाके इसको डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू किया, इसे सलाइन लगा, 4-5 इंजेक्शन लगे इसको बेचारे बच्चे को, एंड बड़ी हिम्मत दिखाई इसने हॉस्पिटल में, आई मस्ट से। है ना बच्चा, कुछ खा लो, कुछ खाएगा मेरा बेबी गुड्डू? बाबा नहीं खाना यार इसको कुछ भी, बेचारा ऐसा हो रहा है ना एकदम डल। इसको यहाँ पे मैंने खाना भी देने की कोशिश की, कुछ नहीं खाया इसने, प्लेन सिर्फ दही चावल दिए थे। सिम्बू यू वांट टू ईट बेटा? हाँ खाओगे? नहीं खाया। दवाई आइसक्रीम के साथ थोड़ा मिक्स करके देने की कोशिश की, वो भी इसने नहीं पी। इतनी सारी मेडिकेशन जो है वो डॉक्टर ने सिम्बा के लिए लिख दी है, ये इसका पूरा डायग्नोसिस है। ये इतनी सारी दवाइयाँ इसको देनी है बिकॉज इसको बहुत ज़्यादा फूड इन्फेक्शन हो गया है, स्टमक इन्फेक्शन हो गया है। इसका ब्लड टेस्ट हुआ वहाँ पर, थैंकफुली उसकी रिपोर्ट जो है ब्लड टेस्ट की वो सही आई। अब अगर सिम्बा खाना नहीं खाता है, बेबी अगर आप खाना नहीं खाओगे ना, तो आपको वापस से ये जो पट्टी है ना इसके अंदर अभी भी वो पूरा सलाइन का सेटअप है। तो डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये नहीं खाएगा तो इसको वापस से सलाइन ही देना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज खाना देने का और कोई तरीका नहीं है। नो बाबा, सिट सिट, बैठ जाओ बैठ जाओ, अच्छा बैठ जाओ। अभी सलाइन के बाद इसके अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई है, एंड ही इज फीलिंग अ लिटिल बेटर। अदरवाइज गाइस, कल रात को जिस तरीके से ये चिल्ला रहा था ना दर्द में, मेरी सच्ची में जान एकदम ऐसे मतलब बाहर निकल गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, एंड आई एम अ फर्स्ट टाइम पेट पेरेंट, मैंने कभी पहले पेट रखा नहीं है, तो मुझे आइडिया ही नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में इनके साथ कैसे डील करना है और इनको क्या दिया जाए। तो मैंने इस पूरे चीज से, सिम्बू आपको पता है मम्मा ने क्या क्या सीखा है? पहली चीज, घर में पेट्स के लिए फर्स्ट एड किट होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ बेसिक दवाइयाँ होनी चाहिए। मेरे पास है बट इस सिचुएशन के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था ऑनेस्टली। और दूसरी चीज, कभी भी अपने पेट को आप कुछ भी ऐसे ही मत दे दो, उनका जो स्केड्यूल है, उनका जो खाने का रूटीन बना हुआ है वो ही बांध के रखो। मौसम भी खराब चल रहा है, बहुत गर्मी है मुंबई में इस टाइम पे, तो वो ट्रीट जो इतनी बड़ी मैंने इसको दे दी वो मेरे से बहुत बड़ी मुझे लगता है गलती हुई, जिसका भुगतान जो है वो मेरे बच्चे को भुगतना पड़ा। सॉरी बाबा, बट यू नो वॉट, एवरीबडी इज विशिंग यू गेट वेल सून, सो सबको थैंक यू बोलो, और बोलो हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, आप लोग सब मेरी चिंता मत करो। ओके ओके माय बाबा, थैंक यू गाइस फॉर ऑल योर गुड विशेस, एंड सिम्बा इज मच बेटर राइट नाउ, इसे भी थोड़ा आराम की जरूरत है और मुझे भी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।